गाड़ी यहाँ पे आ गई, सामने वाले पानी चालू कर दिया था रास्ते में, जब पानी पूरा भर दिया था गाड़ी नहीं गई, तो कलेक्टर साहब का आदेश हुआ कि फसल कटवाई जाए। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राम कुमारी खुर्द में रास्ता को लेकर तहसीलदार ने निकाला मौके पर अनूठा फल, दोनों किसान को दी समझाइश। ग्राम कुमारी खुर्द में भूमि पर खेती करने को लेकर दो किसानों के बीच चल रहे मामले का लांजी प्रशासन के तहसीलदार ने बड़ा ही अनूठा हल पेश किया है, जहां आगे पीछे खेत होने पर आगे वाला किसान पीछे वाले किसान को रास्ता नहीं दे रहा था। जब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी कि पहले पीछे वाला खेती करे, उसके बाद आगे वाला खेती कर, और मामले को ही सुलझा दिया गया। जानकारी के अनुसार तहसीलदार ने मौका स्थल पर मौजूद की शिकायत कर मोतीलाल माहेश्वरी और अनावेदक संतोष कालबेले के सामने ही एक अनूठा निराकरण पेश किया है, जिसमें पीछे खेत वाला किसान संतोष कालबेले पहले धान का रोपा लगाएगा, जिसके बाद सामने वाला खेत का किसान मोतीलाल माहेश्वरी अपनी फसल लगाएगा, जिसके बाद फसल पकने पर पहले मोतीलाल फसल काटेगा और उसके बाद संतोष फसल काटेगा। इस अनूठे हल से दो किसानों के बीच खेती का मामला प्रशासन ने सुलझा दिया है। क्या नाम है आपका? संतोष कालबेले सर। किस संबंध में शिकायत की आपने रास्ता? मैंने खेती करने के हिसाब से शिकायत किया सर, मेरा रास्ता रोका गया है। किस किस के द्वारा? मोतीलाल महेश्वरी के द्वारा सर। कैसा क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर, हम अंदर के किसान है सर, जिस इनके खेत से होती हुई हमको खेती करना पड़ता है सर, और धारा 131 के तहत हमने केस किए सर। उस धारा के तहत हमको खेती करने के लिए रास्ता चाहिए सर। अच्छा, जिससे हमारी खेती हो सके सर। तो आपने कहाँ शिकायत की थी? इसकी तहसील कार्यालय में सर। तो क्या हुआ, आज क्या हुआ है? आज वो सर मौका जांच करने तहसीलदार साहब आए थे सर। अच्छा, क्या बोले? अभी सर मौका जांच करने के लिए उसने वो पंचनामा बनाया गया सर उनके द्वारा। अच्छा, तो कुछ सहमति बैठी अभी उसमें? सहमति तो सर चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है, लिखे सर उनने कि मतलब खाली जमीन से मतलब जाओगे, फिर पहले आप लगाओगे, उनके बाद वो लगाएंगे। तो क्या आपने अभी खेती लगा दी वहाँ पे? खार भी डाले सर। अभी खार भी नहीं बोया? किस संबंध, किस कारण ने बोया आपने? ये रास्ता रुकने के कारण सर। सामने वालों ने क्या फसल लगा ली है? रास्ते में फसल लगा दी सर, जिससे आपको तकलीफ हुई सर। तो तहसीलदार साहब यहाँ आए थे निरीक्षण? जी सर, निरीक्षण करना। ठीक, क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि हमें रास्ता मिले और खेती कर सके सर हम। बस। क्या नाम है आपका? निकेश महेश्वर। जैसे कि अभी कोई संतोष कालबेले नामक किसान ने जो शिकायत किया तहसीलदार महोदय के, और तहसीलदार महोदय जी अभी मौके पर आए थे, तो क्या था मामला पूरा? मौके पर आए थे सर, रास्ता नहीं था, और रास्ता नहीं होने के कारण हम रास्ता नहीं देना चाह रहे। किसके लिए रास्ता नहीं था? संतोष कालबेले की। अच्छा, तो सामने आपकी जमीन है क्या? नहीं, सामने नरेश चंद मही मेरो है, उसके बाद हमारी जमीन है। अच्छा, तो उसको संतोष को जाने के लिए रास्ता नहीं है? नहीं है सर, निस्तार तो, पत्रा का और नक्शा खसरा में रास्ता नहीं है। तो अभी तक के खेती की उनने कैसे की? पार कैसे किए हैं सर? अच्छा, तो पार किसके खेत से गया है? पाल हमारे ही खेत से गया है, हमारे भूमि स्वामी से। अच्छा, नरेश चंद और मोतीलाल महेश्वरी के खेत से ही होके गया। अच्छा, भूमि स्वामी का। तो आज क्या हुआ फिर? तहसीलदार महोदय जी यहाँ आए थे तो आज ट्रैक्टर का रास्ता नहीं है, हम बोल दिए सर पाल पे से जाके खेती करें, ये बोल दिए। आपका परिचय? मैं नेहल तुमेश्वर गौतम, सरपंच ग्राम पंचायत कुमारी खुर्द, उपाध्यक्ष सरपंच संघ। जैसे कि आपके ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के बीच में जो रास्ते की समस्या चली आ रही, जिसको लेकर के आज तहसीलदार महोदय भी और आप लोग सब लोग यहाँ उपस्थित है, क्या है मामला पूरा? वर्तमान में आज जो राजस्व अमला और ग्रामीण जनों के साथ और मैं पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते आज अपन मौके पर जो उपस्थित हुई है, मैं बता दूं आपको कि पिछले 2-3 वर्षों से राजस्व के अधीन एक मामला पंजीबद्ध है, जिसमें अनावेदक और आवेदक दोनों के बीच में आपसी सहमति नहीं बन पाई थी कृषि को लेकर के, लेकिन आज पूरे राजस्व अमले के साथ माननीय तहसीलदार महोदय और ग्रामीण जनों के बीच में सर्वसहमति बनी है, और आवेदक और अनावेदक इस सहमति को लेकर के तैयार हो गए हैं, जिनका निराकरण माननीय तहसीलदार महोदय और राजस्व विभाग और पटवारी कोटवार और समस्त जनों के बीच में किया। जैसे कि आज कुम्हारी खुर्द में रास्ते को लेकर के जो दो किसानों के बीच में विवाद था, आपके द्वारा वहाँ जाकर के निरीक्षण किया गया, तो क्या पाया गया सर वहाँ पर? आज ये मामला मुझे कोर्ट में विचाराधीन था, आज की डेट लगी हुई थी मौका निरीक्षण करने के लिए। कुम्हारी खुर्द का मामला था, जिसमें आवेदक संतोष और अनावेदक मोतीलाल महेश्वरे द्वारा खेत रास्ते को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, आज उसके स्थल निरीक्षण किया गया। हल्का पटवारी हराई मैं स्वयं भी जाके स्थल निरीक्षण किया, ग्राम सरपंच थे, उभ पक्षकार थे, ग्रामजन थे, उनमें वही
खेत के अंदर से जोत के संबंध में विवाद को संज्ञान में लिया गया, जिसमें उसमें मामला यही था कि जो अनावेदक पक्ष मोतीलाल वगैरह है वो आवेदक को जोतने के लिए रोपा डालने के लिए धान रोपा डालने के लिए जाने का मार्ग नहीं दे रहे थे। तो मैं PLRC 131 के प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उसको रास्ते का विवाद को हल किया, दोनों पक्षों की सहमति बनाई वहाँ पे और उसमें कंडीशनल आदेश किया मेरे द्वारा किया गया है कि पहले वो रोपा आगे वाले जो खेत वाले हैं वो लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो धीरे धीरे क्रम से बढ़ते हुए जो बाद वाला खेत वाला वो बाद में डालेगा, इसके बाद वो क्रम से खेत के बाहर चले जाएंगे, रास्ते में जाएंगे। उसी तरह काटने की प्रक्रिया भी रहेगी कि पहले सामने वाले काट लेंगे जहाँ से रोड अनावेदक है, अनावेदक रोड है, सामने से काट लेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, फिर लाट वाला खेत काट लेगा, जिससे हमारे दोनों पर्पज सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये आम रास्ता नहीं है, विस्तार पत्र में भी नहीं है, खसरा नक्शा में भी ये आम रास्ता प्रचलित रास्ता नहीं है, इसको दृष्टिगोचर करते हुए मैं खेती रास्ता को ही देव उचित समझा गया और विधिवत नियत प्रावधान के अंतर्गत उनको बीच का रास्ता अपनाते हुए दोनों का काम हल कर दिया गया है, जिससे किसी प्रकार की विवाद स्थिति अब उत्पन्न नहीं होगी, उनके विवाद को वहीं पर समाप्त कर दिया है। जैसे कि सर वो अनावेदकों के द्वारा भी जो फसल लगा लिया गया और आवेदक के द्वारा भी फसल नहीं लगाया गया, तो क्या सर आवेदक इस बार फसल लगा पाएगा सर? हाँ, फसल लगा पाएगा, वहाँ पे बड़ी वाली मेड़ है, वहाँ पे बैलगाड़ी से या इसी यंत्रों के द्वारा वो बीच रास्ते में से ले जा करके फसल लगा लेगा, घाटा किसी का नहीं होगा, वो फसल लगा ही लेगा। परंतु आने वाले वर्षों में हम रबी की मतलब इसी वर्ष जो रबी की फसल है उसमें हम पूरा रास्ता भी छुड़वा देंगे, क्योंकि उसने इस बार फसल लगा लिया है तो बीच का रास्ता ये अपनाया गया कि वो खेती से बैल जोड़ी से वो अपना काम कर लेगा, क्योंकि बैल जोड़ी का रास्ता वहाँ पर बना हुआ है, चौड़ी रोड है वहाँ पर, बैल जोड़ी का रास्ता बनकर अपनी फसल लगाएंगे। जैसा सर आवेदक ने कहा कि हमारे पास बैल जोड़ी नहीं है और बैल जोड़ी आजकल मशीनी पद्धति ज़्यादा होने के कारण मिल नहीं पाती है, तो मशीन से ही कार्य हो पाएगा, तो क्या संभव हो पाएगा सर उसके? हाँ, संभव हो पाएगा। फिर ये जो फसल की जो नुकसानी होगी, मान लो बीच ये दो टायर के मध्य में जो फसल यदि नुकसानी होगी तो उसके बीच की भरपाई वो करके रोपा डाल करके वो वैसी की वैसी फसल वो बना करके दे देंगे। तो इसके लिए क्या सर अनावेदक गण तैयार हो गए? अनावेदक की तो मना ही थी इसमें, फिर भी मैं उनको समझाइश दी गई कि रास्ता किसी का नहीं रोका जा सकता, क्योंकि पीछे की फसल उनकी रिक्त पड़ी रह जाएगी इसमें, क्योंकि बीच का रास्ता यह है कि अभी बैल जोड़ी से या किसी पे ले जाने लाने लायक तो अभी रास्ता है, चौड़ी मेड़ है वहाँ पे, तो उससे भी काम अभी चल जाएगा उनका। थैंक यू सर। ढंग से हुआ ना कुछ, इतना नाली पड़ गया ना, मैं फसल ढंग से रोपा पाया। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।